नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन 5 मई से लगना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग में लिया। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की थी। इसके साथ ही पत्रकारों को भी जिलेवार विशेष शिविर लगाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश को 5,29,00,000 डोज की ज़रूरत है। सरकार ने कोविशील्ड के 45,00,000 और कोवैक्सीन के 10,00,000 डोज के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। हालांकि शुक्रवार रात हैदराबाद से प्रदेश में कोवैक्सीन के 1,50,000 डोज पहुंच चुके हैं। संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ही वैक्सीनेशन पार्ट 3 की औपचारिक शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर वैक्सीनेशन शुरू कर सकती है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए कोविड पोर्टल और आरोग्य सेतु पर 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 1 मई के पूर्व प्रदेश में 77,000 स्लॉट बुक किए थे। बताया जा रहा है कि लोगों को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल और कॉलेज परिसरों को सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा होने से भीड़ लग रही है, इसलिए नए सेंटर बनाने के लिए स्कूल व कॉलेज परिसरों का चयन किया जा रहा है। बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5,29,00,000 डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5,29,00,000 डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4,76,00,000 और कोवैक्सीन के लगभग 52,25,000 डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र और भारत बायोटेक वैक्सीन हैदराबाद, ये हमको तेजी से सप्लाई करे। अभी सप्लाई की सुनिश्चितता नहीं कि कब वो कितनी देंगे, ये बताने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए अभी 1,50,000 डोज के हिसाब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारे अभी हाथ में है फाइनल किया है। इस बीच मुझे लगता है 15 मई के आसपास हमको और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।